अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ किचन रेसिपीज़। आज के लेक्चर में हम करेंगे नया टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, रिंग थ्योरी से रिलेटेड। रिंग थ्योरी की बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी, नॉन कम्यूटेटिव रिंग, इस तरह की जितने भी एग्जांपल्स हैं वो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि है फील्ड से रिलेटेड। ठीक है, फील्ड की डेफिनेशन हमने पहले की थी कि फील्ड होती क्या है। ये वाला जो रिज़ल्ट है ये फील्ड से रेलिवेंट है। तो देखते हैं रिज़ल्ट क्या कहता है कि अ फील्ड इज़ एन इंटेग्रल डोमेन। हमने प्रूफ क्या करना है कि जो फील्ड होती है वो क्या होती है, इंटेग्रल डोमेन होती है। अब हमने प्रूफ क्या करना है, इंटेग्रल डोमेन होती है। जबकि फील्ड की डेफिनेशन अगर हम देखें तो फर्दर हम इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक क्या है, इंटेग्रल डोमेन हमने शो करना है ना, तो हमने एक फील्ड सपोज कर ली। हमारे पास R जो है वो एक फील्ड है अंडर द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। फील्ड को इस तरह से देखते हैं, बी अ फील्ड, देन आर इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग। अगर आप फील्ड की डेफिनेशन देखें तो फील्ड क्या होती है कि अंडर एडिशन जो है वो अबिलियन ग्रुप हो, अंडर मल्टीप्लीकेशन जो है वो क्या हो, अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप हो, और अंडर जो है वो उसके पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज वगैरह उस पे सेटिस्फाई हो रहे हों तो उसको हम कहते हैं फील्ड। अब अगर हम रिंग थ्योरी की लैंग्वेज में देखें तो फील्ड, अभी हमने इसकी डेफिनेशन की थी कि फील्ड क्या होती है। चलें हम इसको दूसरे एस्पेक्ट से देखते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं हमने प्रूफ क्या करना है, इंटेग्रल डोमेन प्रूफ करना है। इंटेग्रल डोमेन क्या होती है, वो बेसिकली होती है कम्यूटेटिव रिंग विद नो ज़ीरो डिवाइज़र। ऐसी कम्यूटेटिव रिंग जिसमें कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र ना हो। ठीक है, तो हमने इसको प्रूफ करना है। सबसे पहले हमने, ये फील्ड है, फील्ड जो होती है वो कम्यूटेटिव रिंग लाजमी होती है एज़ वी नो दैट। अब हमें इंटेग्रल डोमेन हमने प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन देखी है कि इंटेग्रल डोमेन होता क्या है। एज़ वी नो दैट एन इंटेग्रल डोमेन इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग। बेसिकली ये क्या होती है, कम्यूटेटिव रिंग होती है विद नो ज़ीरो डिवाइज़र्स, लेकिन उस पर क्या कंडीशन होती है कि उसमें ज़ीरो डिवाइज़र्स नहीं होते। ठीक है, दोबारा अगर आपको भी कम्यूटेटिव रिंग या फिर इंटेग्रल डोमेन की अगर आपको डेफिनेशन नहीं याद इस टाइम, तो आप इसको रिकॉल कर लें। ऑलरेडी आपको ये करवाई गई है और ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मज़ीद डिवेलप हो सके, एटलीस्ट उसको रिवाइज़ कर लें। इंटेग्रल डोमेन क्या होती है, बेसिकली इंटेग्रल डोमेन होती है कम्यूटेटिव रिंग होती है विद नो ज़ीरो डिवाइज़र्स। ज़ीरो डिवाइज़र की क्या डेफिनेशन थी कि अगर हम कोई से दो नॉन ज़ीरो नंबर्स लें उसी सेट में से, उसी रिंग में से कोई से दो नॉन ज़ीरो नंबर्स लें, अगर उनका प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाता है तो हम कहते हैं कि वो ज़ीरो डिवाइज़र्स हैं। तो इंटेग्रल डोमेन क्या कहती है कि वो ऐसी कम्यूटेटिव रिंग है जिसमें कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होता। अब देखें कम्यूटेटिव रिंग तो फील्ड होती है, हमने इसको प्रूफ कर दिया, मीन्स बाई डेफिनेशन ये होल्ड कर गया, तो इसलिए ये कम्यूटेटिव रिंग हो गई। हमने तो इंटेग्रल डोमेन प्रूफ करना है। इंटेग्रल डोमेन प्रूफ करने के लिए कौन सी कंडीशन रह गई, हमने ये शो करना है कि ये जो R फील्ड है, ये जो कम्यूटेटिव रिंग भी है, इसमें कोई भी ज़ीरो डिवाइजर्स ना हो। सो द ओनली रिंग, सो द ओनली थिंग, इसलिए हमें सिर्फ एक ही चीज़ प्रूफ करनी है कि उसमें कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है मीन्स दो नॉन ज़ीरो नंबर्स लें तो उनका प्रोडक्ट ज़ीरो ना हो। दैट वी हैव टू शो दैट, इसका मतलब है कि अगर दोनों में से कोई एक ज़ीरो आ जाता है तो उनका प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। ये जो ज़ीरो डिवाइज़र्स की कंडीशन है ये दोनों नॉन ज़ीरो नंबर्स के लिए है। सो द ओनली थिंग दैट वी हैव टू प्रूव इज़ दैट, एक ही चीज़ हमने प्रूफ करनी है, वो क्या है, वो ये है कि दैट नो ज़ीरो डिवाइज़र्स एग्जिस्ट्स इन R। अभी हमने देखा कि हमें क्या प्रूफ करना है, हमें जस्ट यही प्रूफ करना है कि कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र जो है वो R में एग्जिस्ट नहीं करता। ऑन कॉन्ट्रेरी हम देखते हैं कि हमारे पास ए बी जो है वो ज़ीरो है इन R, ए जो है वो भी रिंग से बिलोंग करता है, बी भी रिंग से बिलोंग करता है, और ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो है। वी वॉन्ट टू शो दैट, अब हमने ये शो करना है कि ये इसमें ज़ीरो डिवाइज़र ना होने का मतलब यही है कि अगर कोई से दो नॉन ज़ीरो नंबर्स लें तो उनका प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो ना हो। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक नंबर ज़ीरो आ जाता है तो तब तो ये होल्ड करेगा।
अब हम देखते हैं, वी वांट टू शो आइदर ए इज इक्वल टू जीरो आर बी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमने प्रूव करना है इंटेग्रल डोमेन। इंटेग्रल डोमेन के लिए क्या कंडीशन है, वो कम्यूटेटिव रिंग है विद नो जीरो डिवाइजर। तो इट मीन्स कि हमने दो नंबर्स को जीरो के इक्वल रख लिया, ये दोनों नॉन जीरो नंबर्स हैं। हमारा टारगेट क्या है कि हमने ये प्रूफ करना है कि ये दोनों जो है, दोनों में से कोई एक जीरो होगा तो तब जीरो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ताकि हम ये शो कर सकें कि इसमें जीरो डिवाइजर नहीं है। लेट ए बी इज इक्वल टू जीरो इन आर, वी वॉन्ट टू शो आइदर ए इज इक्वल टू जीरो आर बी इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा टारगेट क्या है कि हम या तो ए को जीरो के इक्वल प्रूफ कर दें या बी को। सपोज हम कर लेते हैं कि ए जो है वो नॉन जीरो है इन आर, आर जो है वो यहाँ पे रिंग है, यहाँ पे फील्ड है, ठीक है। आर रियल नंबर्स के लिए नहीं है, ये फील्ड का एलिमेंट है, ठीक है। अब देखिए फील्ड क्या होती है, फील्ड तो होती है अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप हो, अंडर मल्टीप्लिकेशन हो, और उस पर एसोसिएटिव लॉज होल्ड करें, तो डेफिनेटली हर एलिमेंट का इनवर्स उसमें एग्जिस्ट करेगा, करेगा ना, हर एलिमेंट का इनवर्स उसमें एग्जिस्ट डेफिनेटली करेगा। तो यहाँ पे हमने कहा कि अगर ए जो है वो नॉन ज़ीरो है तो नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। क्यों एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये जो आर हमने ली है ये क्या है, फील्ड है। फील्ड में जो है वो हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हमने क्या किया, हमने इसी इक्वेशन को दोबारा ले लिया, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो यही वाली इक्वेशन दोबारा ले ली। अब इनवर्स जब एग्जिस्ट करता है तो हम इसको प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनवर्स से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स से। अब देखिए अंडर मल्टीप्लिकेशन तो ये ग्रुप बनाता है, इट मीन्स एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। तो अगर हम ए इनवर्स और ए को कंबाइन कर लें तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, तो हमने इन दोनों को कंबाइन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे ज़ीरो मल्टीप्लाई हो रहा, कुछ भी हो उसके साथ तो वो ज़ीरो हो जाएगा। अब ये तो आइडेंटिटी होती है, क्योंकि वो फील्ड है तो डेफिनेटली उसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। तो बी हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। ए तो हमने लिया था नॉन ज़ीरो, लेकिन बी ज़ीरो आ गया, तो इट मीन्स कि हमारा आर्गूमेंट ठीक था कि उसमें कोई भी कम्यूटेटिव, उसमें कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है, एंड दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि फील्ड जो है वो हमेशा इंटेग्रल डोमेन होती है। अब अगर आपको दे दिया जाए कि जेड एन के बारे में देखें कि वो इंटेग्रल डोमेन है कि नहीं, ठीक है, अगर तो वो फील्ड होगी तो हम डायरेक्ट बता देंगे कि वो इंटेग्रल डोमेन है। इसी तरह से अगर आपको कोई भी रिंग दे दी जाए तो हमने ये चेक करना है कि फील्ड जो है वो इंटेग्रल डोमेन होती ही है। अगर तो हमें पता है कि वो फील्ड है तो वो डेफिनेटली इंटेग्रल डोमेन होगी। लेकिन अगर देखें क्या इसका कन्वर्स होल्ड करता है, सोचें ज़रा कन्वर्स इसका क्या होगा, कन्वर्स यही होगा ना कि क्या हर इंटेग्रल डोमेन जो है वो फील्ड होती है। तो सोचें इस बात पे कि क्या हर इंटेग्रल डोमेन फील्ड होती है कि नहीं होती। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आप इस लेक्चर को दोबारा सुनें, इसको अंडरस्टैंड करें, ताकि आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पे लाजमी क्लिक किया करें। इसमें आपके लिए जो है वो आसानी हो जाती है, वीडियो आपको सर्च करनी नहीं पड़ती, डायरेक्ट आपके पास पहुँच जाती हैं। थैंक यू।